मऊ जनपद में दो पोस्टर तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक दारा सिंह चौहान और श्रीराम सोनकर को लापता होना बताया जा रहा है। क्या सच में विधायक जी लोग लापता हैं? यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या जमीनी हकीकत है। विधायक जी लापता होंगे हुआ जनपद में? नहीं, विधायक जी तो लापता हैं। कौन है विधायक जी? यहाँ के विधायक जी कौन है? मुझे पता ही नहीं चल रहा है। विधायक जी तो कभी रहते तो क्षेत्र में दिखाई देते, जनता के बीच में जाते, जनता के सुख दुख में सम्मिलित होते। यहाँ के रोडे नहरें इसलिए कंडीशन तो रहती नहीं। यहाँ के भी विधायक लापता हैं, पता नहीं कौन विधायक है यहाँ के। दारा सिंह चौहान को जानते हैं जो कैबिनेट मंत्री भी हैं? हाँ, नाम तो सुना हूँ लेकिन लापता हैं। वर्तमान विधायक मेरे यहाँ के भी घोसी विधानसभा के विधायक विजय राजवर जी, शायद इनका भी पता नहीं है। जब से चुनाव जीते कभी जनता के न सुख दुख में सम्मिलित हुए, न जनता के दर्द को समझे, न रोड का काम किए, न नहर का काम किए, पता ही नहीं कहाँ है। वो भी लापता हैं। मेरे साथ यहाँ पे अन्य जन हैं। दो पोस्टर वायरल हो रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है कि यहाँ के जो भाजपा के विधायक हैं दारा सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री जो हैं वो भी लापता हैं। क्या ऐसा कुछ है? पहले ऐसा कोई पोस्टर की हमें जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कुछ पोस्टर आ रहा है तो वो लोग कुछ भ्रामक लोग होते हैं जो तरह तरह की खबरें फैलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ के चार विधायक हैं, मऊ जनपद के चार विधानसभा है। मधुबन से दारा सिंह चौहान जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मोहम्मदाबाद से हमारे श्रीराम सोनकर जी, घोसी से विजय राजभर जी और सदर से मुख्तार अंसारी जी। जो कहना है उनका सही है। 25 वर्ष हो गए लगभग एक हमारी सदर विधानसभा के जो अंदर से रहकर जेल से रहकर विधायक रहते हैं वो गायब हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। विजय राजभर जिनका अभी कुछ भाई नाम ले रहे थे, लगातार एक विधायक है जो अपने क्षेत्र से लेकर और जनपद की जन समस्याओं को लेकर अपना चौपाल लगाता है और जनता दरबार लगाकर जनता का सुनवाई करने का काम करता है। जैसे कि आपकी कौन सी जगह है और आपका नाम क्या है? ये सर एक्चुअली बांसडी में आता है, बांसडी शहर डिस्ट्रिक्ट बलिया के अंतर्गत, और ये दराव एरिया में है।